हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा फनी क्लिप पर रिएक्ट करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है फनी न्यूज़पेपर हेडलाइन। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्या हाल है, फनी न्यूज़पेपर के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। फॉर इंग्लिश प्रेस वन, हिंदी के लिए दो दबाएं। हिंदी के लिए दो दबाएं? अबे गलत स्क्रिप्ट कौन रख गया बे? अरे ए मारो इसको। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि साला ये गंगाराम का लौंडा मिला कि नहीं मिला? ना मुझे जानना है भाई साहब, मैं इस भाई को कस्टमर नहीं देख सकता हूँ। देखो यार, पैसे की टेंशन नहीं है, 4000 ये भाई दे रहा है, 1000 मैं अपनी तरफ से दूंगा, और बाकी का कम पड़े तो अपन लोग चंदा कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन साला गंगाराम के लौंडे की ढूंढ के ना गिच्ची खोदनी है, बहुत दुख दे रहा है यार वो इस भाई। अब जिन लोगों को नहीं पता कि इस भाई की क्या तकलीफ, और ये साला गंगाराम का लौंडा कौन है, तो और मत देखो वीडियो। मैं बोल रहा था ना, आजकल तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो वीडियो को, देखी होती तो मैं पता होता कि साला गंगाराम का लौंडा कौन है। जाओ जब पहले ये वीडियो है ना, इसको पहले निपटा के आओ, उसके बाद देखना ये। बता, मेरा देश इतना बदल गया और तुमको पता ही नहीं है भाई सब क्या चल रहा है? गलत बात है, गलत बात है। जी 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 जी। खैर, बात चल रही थी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की। तो बाबू ऐसा है, चाहे इस सृष्टि का विनाश हो जाए, लेकिन साले न्यूज़पेपर वाले ना बकचोदी पेलना नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ ये क्या हेडलाइन है? हवाई फायर में पड़ोसन के होठों को छूती हुई गुजर गई गोली। अबे तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो या बकचोदी कर रहे हो बे? ये पड़ोसन के होठ को बीच में लाना जरूरी था क्या? अबे सीधा सीधा बोल देते कि गोली मिस हो गई। मतलब यही होता जब इमरान हाशमी टाइप लौंडा कोई भाई साहब सीरियस प्रोफेशन में घुसता है। क्या हो रहा है? इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भैया, आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दामाद से दिल लगा बैठी सास, कोर्ट मैरिज करके घर लौटी तो बेटी हुई बेहोश। वाह सासू माँ वाह, प्यार अंधा होता है मान लिया, बहरा होता है मान लिया, गूंगा होता है ये भी मान लिया, लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम उम्र की दहलीज लांग जाओ। अरे बेटी को हनीमून भेजने की उम्र में तुम खुद हनीमून पे चली गई? बताओ भरी जवानी में तुमने बेटी नए बाप पकड़ा दियो। अब न्यू बताओ, बेटी अपने पति से पति देव बोलेगी या पापा बोलेगी? मतलब ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर देना। बता, माँ बनने की उम्र में सौतन बनी घूम रही है? क्या हो रहा है? सही बताऊँ ना, आजकल लोगों के भीतर गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई ना रुक रहा भैया। वैसे भी इस टाइप के एक आदमी से तो मैं आपको मिलवा ही चुका हूँ। अरे सास को भगा ले आए थे? किसकी सास भगा ले आए थे? भाई की। भाई की सास को भगा लाए थे? तुम्हारी क्या लगती है? सास लगती है। तुम्हारी सास लगती है? अरे सास को भगा ले आए। और ये भागा भागी है ना आजकल बहुत चल रही है, अब आप इसके बारे में क्या कहोगे? दुल्हन की माँ के साथ भागा दूल्हे का पिता। बताओ कोई कम ना भाई साहब, सब अन्य भगने की पड़ रही है आजकल की साली, हवाई गलत बह रही है, कुछ मिलावट चल रही है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ। और अभी भागने भगाने वाली न्यूज खत्म नहीं हुई है, तुम बस गिनती करते जाओ और ये वीडियो देखते जाओ। एक कांग्रेसी नेता दूसरे की बीवी लेकर भाग गया। भैया पॉलिटिक्स यूं ही बदनाम ना है, अपने सामने वाले को कैसे भी हराना है, तुमने वहाँ की कुर्सी हड़पी, उनने तुम्हारी बीवी हड़प ली। Too much fun. अभी और सुनो, अपने ही स्कूल के छात्र को लेकर भागी शिक्षिका। इसको फर्ज गया बॉस, तुम्हारी मूंगफली में दाना होना चाहिए। अगर तुम्हारी ठरक, मेरा मतलब है प्यार, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो बेटा टीचर भी सेट हो जाती है। मुझे तो लग रहा तुम और हम ही बर्बाद चल रहे हैं बस, आजकल की पीढ़ी में कुछ ज्यादा टैलेंट आ गया भाई साहब। हम बड़ी बुजुर्ग औरतों को माँ समझा करते थे, दादी समझा करते थे, वो उनको माल समझ के हड़प रहे हैं। ये साला आजकल के बच्चों में इतना टैलेंट आ कहां से रहा है, ये शिक्षा ले कहां से रहे हैं यार ये लोग। क्या हो रहा है? अगली खबर, रात को दूल्हे के साथ लिए फेरे और सुबह प्रेमी के साथ भाग गई दुल्हन। जी 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 जी। बताओ अब दूल्हे पे क्या बीत रही होगी? मतलब दूल्हा इसलिए रात भर जागा था क्या कि साला रात भर जाग के दही जमाए वो और लस्सी पिए कोई और? गलत हो गया यार भाई के साथ, अबे सुहागरात के सपने संजो रखे होंगे यार उसने। बताओ रात भर भाई जागा और सुबह उसकी बीबी हिरन हो गई। ये मुर्दों का राज है कि नहीं है? अबे नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती, मुंह में का दही जमा के बैठी थी बहन की बहरी लोमड़ी। क्या हो रहा है? अगली खबर लगाओ यार तुम, 70 साल का बुजुर्ग 18 साल की युवती को भगा ले गया। अबे कोई रोक लो इन्हें ना, ये देश के बुजुर्ग है ना भाई साहब, ये ना रुकने के, पता नहीं जवानी में कौन सी सिलाजीत खाली इनकी, बाकी गर्मी ना खत्म है कि देरी भाई साहब इन पे। हरिद्वार जाने की उम्र में सबरे बैंकॉक जाने के सपने देख रहे हैं, 4 सीढ़ी चढ़ने पे तो हाँप ही छोड़ जावे, और शादी के लिए जवान छुरी चाहिए इन्हें। मैं बता रहा हूँ इन्हें रोक लो, इन्हें कोई दवाई रिएक्शन कर गई है। वैसे ही इस टाइप के एक कपल से मैं आपको पिछले वीडियो में मिलवा भी चुका हूँ, क्यों याद नहीं है?
ध्यान से नहीं देख रहे तुम आजकल वीडियो, मुझे पता है। आपकी सर उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70। 70 साल? जी। आपकी उम्र कितनी? 19 साल। बेटा मजे तो बुढ़े ही ले रहे हैं, और हमारी उम्र इस वक्त ऐसी होगी कि साला इधर कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, उधर लड़की भी ना पट रही लड़की के बारे में सोचना पड़ता है, तो साला ना तो इधर कैरियर ही बन पा रहा है ना इधर गर्लफ्रेंड ही बन पा रही है। अबे गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बन रहा यार। अबे इतने बुरे तो नहीं है हम? तो ये मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? लड़कियां चाहती ही नहीं कि हम तरक्की करें, और क्यों चाहेंगी, आजकल तो बुढ़े जो पसंद आ रहे हैं। हट। अगली खबर, सुहागरात के अगले दिन दुल्हन ने दिया बच्ची को जन्म। ज्यादा खुश मत हो, ये कोई नई तकनीक नहीं आई है बच्चा पैदा करने की, ये गुप्त मतदान का केस है जो शादी से पहले ही हो चुका था। वो तो रिजल्ट सुहागरात के अगले दिन निकल आया, अगर लड़की की गणित सही बैठती ना तो लड़के को कोई पता ही नहीं पड़ती। और इस सिचुएशन पे ना ये वाला भोजपुरी गाना एकदम सटीक बैठ रहा भाई साहब। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, शादी जबरदस्ती करवा रहे होंगे, लड़की किसी और से प्यार करती होगी, लड़की ने भाई साहब प्यार की निशानी मांगी और उसने निशानी के तौर पे बच्चे ही पकड़ा दिया। क्या हो रहा है? लड़की वाले लड़कों वालों का क्या मस्त बेवकूफ बनाया, बोल रहे हैं कि थायराइड की वजह से पेट बाहर निकला हुआ है। देखो ऐसा है, प्रेगनेंसी के पेट और मोटापे के पेट में ना जमीन आसमान का अंतर होता है, अलग ही दिख जाता है भाई साहब। लड़के वालों का गजब का काट दिया। न्याय करो, तुम न्याय करो, CMDM के पास का कुछ नहीं। अगली खबर, नशेड़ी निकली दुल्हन, ससुराल पहुंचते ही चूड़ा उतार फेंका, बोली चिट्टा चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता चिट्टा क्या होता, तो मैं उनको बता दूं, चिट्टा वही है जो अमीर लोग नाक से खींचते हैं, वही जो नमक की तरह दिखता है। एक्चुअली में चिट्टा शब्द का मतलब होता है सफेद। अरे तुमने सुना नहीं होगा यार, फलानी छोरी तो बड़ी गोरी चिट्टी है, फलाना छोरा बड़ा गोरा चिट्टा है, तो वही चिट्टा यही है। और भैया नशे की लत तो ऐसी होती है कि सब काम धाम बाद में, पहले चिट्टा चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, चिट्टा की लालच में तुम छोरी तक कुछ भी करवा लियो, कुछ भी का मतलब समझ रहे हो। अरे ए मारो। अगली खबर, सजती हूँ पर लेते नहीं, तलाक चाहिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बताओ क्या जमाना है, जिसका साला जुगाड़ नहीं हो रहा वो भगवान से दिन रात एक ही चीज मांग रहा। ओ गॉड, एक बार दिला दे। बताओ यहाँ बीबी खुद मेनका बन के तैयार होके बैठी है, तुम साले ब्रह्मचारी बने बैठे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? इसकी बीबी भी सोच रही होगी। अगली खबर, पत्नी से परेशान पति थाने पहुंचा, बोला मुझे जेल भेज दो, कुछ दिन शांति तो मिलेगी। पुलिस नहीं मानी तो पहले पत्नी को पीटा, फिर एसपी को, गिरफ्तार। मतलब समझ रहे हो ना पति की फ्रस्ट्रेशन का, कितना परेशान है वो अपनी बीवी से। मतलब बंदे ने जेल में जाने के लिए एसपी को कोट दिए एसपी ऑफिस में। भैया कौन से जुलम कर दिया कि बीवी ने जो छोरा इतना परेशान है वो। पता है आजकल के पति इतने ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन है। रीजन नंबर एक, बीवी पूरे दिन बदलती है डीपी। पुलिस के पास पहुंचा पति, अब भैया भरी जवानी में तुम कुछ और लेने की बजाय सेल्फी लोगी तो पति तो परेशान होके पुलिस के पास ही जाएगा। एक भाई और था जो अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास पहुंचा था, याद है कि भूल गए? तुम क्या रिपोर्ट क्या लिखाओगे सर? हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। आना दे तो ना दे तो पुलिस रिपोर्ट करेंगे सर। भाई कौन धारा नहीं बनी, कौन धारा मान के चल रही है। मैंने अपने जीवन में आपको बहुत सारे दुख दिखाए होंगे, परंतु इस भाई का दुख है ना आज भी टॉप पर बना हुआ है। अगर तुम इन सब परेशानी से बच रहे हो तो इस वीडियो को लाइक मारो, आज का लाइक हम रखते हैं 1,00,000 लाइक। अब भैया इस लाइक के दोस्तों वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो बहुत ज्यादा फनी टाइप की थी, और जिसका जो मतलब हेडलाइन था न्यूज़पेपर हेडलाइन, मुझे नहीं लगता ये रियल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।